नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रामनगर में दर्जनों ग्रामीणों ने कॉर्बेट कार्यालय पहुंचकर पार्क प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे को ज्ञापन सौंपा। बता दें, ग्रामीणों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पार्क प्रशासन ने कॉर्बेट पार्क का नया गर्जिया जोन बंद करके रिंगोडा से शुरू कर दिया है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। देखिए क्या है ये पूरी खबर। रामनगर में दर्जनों ग्रामीणों ने कॉर्बेट कार्यालय पहुंचकर पार्क प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। बता दें, आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि पार्क प्रशासन द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कॉर्बेट पार्क का गर्जिया का नया जोन खोला गया था और इसका संचालन भी गर्जिया से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ माह पूर्व पार्क प्रशासन ने इस गेट का संचालन गर्जिया से बंद करते हुए रिंगोंडा से शुरू कर दिया है, जब से ही ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गेट का संचालन पहले की तरह ही गर्जिया से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि रिंगोंडा से गेट का संचालन होने के बाद गर्जिया क्षेत्र के कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। बता दें, इससे पहले भी ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने पार्क प्रशासन को 20 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो व्यापार के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए वो मजबूर होंगे। वहीं पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने कहा कि गेट का संचालन NTCA से जारी गाइडलाइन के तहत किया गया है और ग्रामीणों द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया है उसे वो उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही इसका शीघ्र ही समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा जो है, हमारी मांग जो है, ये गर्जिया जोन को गर्जिया से मतलब ग्राम पंचायत ढिगली से ही संचालित करने के लिए हम कह रहे हैं। इनसे हम पिछले 2-3 महीने से लगातार प्रयासरत हैं और हमारी मांग है, ये मुख्यमंत्री घोषणा में यह गेट जो है वहाँ से खोला गया था, जिसे इन्होंने जो है वहाँ से बंद करके और इसका जो संचालन रिंगोड़ा से कर दिया है। हमारी मांग यह है कि हम चाहते हैं कि जो गेट वहाँ पर था उसको वहीं से संचालित किया जाए और पर्यटन दोबारा वहाँ से शुरू किया जाए, जिससे जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनको दोबारा से रोजगार मिल सके। गर्जिया से ही उसका संचालन किया गया। हमने इनको अभी 20 दिन का समय दिया हुआ है और अगर ये 20 दिन बाद इसको यहाँ पर नहीं करते हैं तो फिर हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर होंगे और फिर उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, ग्रामीणों की डिमांड ये है कि इस गेट को पुनः गर्जिया से संचालित किया जाए, जबकि वर्तमान में गेट रिंगोड़ा से संचालित है, जिसकी अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। तो आज जो ज्ञापन, इससे पहले भी हमको एक ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया था और जिसके क्रम में पहले भी इस संबंध में वार्ता हो चुकी है, परंतु आज जनभावना से भी हम उच्च स्तर को अवगत कराएंगे और इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। इसमें अब 3 टीम हमारे स्तर से बना दी गई हैं, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनी है जो रेस्क्यू काम करेगी। इसके अतिरिक्त बाहर से भी 2 वेटनरी डॉक्टर्स हमने मांग की है, उन टीम्स को भी रेस्क्यू में डिप्लॉय किया जाएगा। टाइगर को हमने चिन्हित कर लिया है, पिछले 2 दिनों का जो हमारे पास कैमरा ट्रैप डेटा है और ड्रोन से जो फुटेजेस प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में टाइगर चिन्हित किया जा चुका है और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू किया जा सके। गुरुवार को गर्जिया सुंदरखाल के तमाम ग्रामीणों ने कॉर्बेट कार्यालय पहुंचकर पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव करते हुए कॉर्बेट पार्क के गर्जिया जोन को पूर्व की भांति गर्जिया जोन से संचालित किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि पार्क प्रशासन द्वारा पूर्व में गर्जिया पर्यटन जोन को गर्जिया से खोला गया था, लेकिन इस बार पार्क प्रशासन ने इस गेट को रिंगोड़ा से खोल दिया, जिसको विरोध में आज ग्रामीणों ने ज्ञापन देते हुए पार्क प्रशासन को 20 दिन का समय दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 20 दिन बाद उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर होंगे। वहीं पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि इस मामले में NTCA द्वारा दी गई गाइडलाइन के तहत गर्जिया जोन को रिंगोड़ा से संचालित किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की जनभावनाओं को देखते हुए आज जो उनका ज्ञापन प्राप्त हुआ उसे उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि धनगढ़ी क्षेत्र में लगातार आतंक का पर्याय बने बाघ को लेकर उन्होंने बताया कि इस मामले में विभाग द्वारा 3 टीमों का गठन कर दिया गया है तथा मौके पर लगाए गए कैमरा ट्रैप के माध्यम से हमलावर बाघ को चिन्हित कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि शीघ्र इस बाघ को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि पार्क प्रशासन द्वारा मामले में SDM गौरव चटवाल द्वारा धनगढ़ी क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर पार्क में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर पार्क प्रशासन व स्थानीय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड।